लायक द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी मस्ट वॉच टिल द एंड। इंसान अपनी कीमत खुद बनाता है। मैन क्रिएट्स हिज ओन वर्थ। योर वर्थ इज इन योर हैंड्स, क्रिएट इट। इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ 100 रुपीज। एक बार एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने की सोची। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर बच्चों को दिखाते हुए पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपये का नोट है? सभी बच्चों ने एक सुर में जवाब दिया, 100 रुपये का। टीचर ने फिर पूछा, इस नोट को कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने उत्साह से अपने हाथ उठा दिए। अब टीचर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह से मसल दिया। नोट पूरी तरह से चिपट गया और उसका आकार बिगड़ गया। टीचर ने फिर बच्चों को नोट दिखाकर पूछा, अब क्या कोई इसे लेना चाहेगा? बच्चों ने फिर से अपने हाथ उठा दिए। फिर टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंककर अपने जूते से कुचल दिया। अब वह नोट गंदा और बुरी तरह खराब हो गया। इसके बाद टीचर ने नोट उठाकर फिर से पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा? इस बार भी सभी बच्चों ने अपने हाथ उठा दिए। बच्चों के जवाब सुनकर टीचर मुस्कुराते हुए बोला, बच्चों, आज मैंने तुम्हें खेल खेल में जीवन का एक बहुत अहम पाठ सिखाया है। ये 100 रुपये का नोट था और जब मैंने इसे हाथ से मसल दिया तब भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से कुचला और यह गंदा हो गया तब भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। वैसे ही एक अच्छा इंसान अपनी काबिलियत और स्वभाव हर परिस्थिति में बनाए रखता है। जीवन में चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें और विफलताएं झेलनी पड़े, उसकी कीमत हमेशा बनी रहती है। अच्छा व्यक्ति आज भी मूल्यवान होगा और कल भी मूल्यवान रहेगा। लेसन 1, इंसान अपनी कीमत खुद बनाता है। 2, चेहरे से ज्यादा आपकी काबिलियत लोगों के लिए मायने रखती है। 3, अच्छा व्यक्ति 100 रुपये के नोट की तरह आज भी मूल्यवान होगा और कल भी मूल्यवान रहेगा। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन हाउ मच यू एंजॉयड इट।